हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं होटल स्टाइल टोमेटो सूप। ये बनाना बहुत इजी है। हमको लगता है होटल में इतना अच्छा कैसे बनता है, ये घर में भी बन सकता है। तो मैं बिल्कुल होटल जैसा आपको टोमेटो सूप बनाकर दिखाऊंगी। ये मैंने करीब 400 ग्राम के आसपास टमाटर लिया है। तो अब हम इसको एक कुकर लेंगे, कुकर में हम इसको काट कर डाल देंगे। इसके बड़े बड़े पीस ही डालें जिससे कि इसका छिलका निकालने में आसानी हो। दो पीस कर लें बस। ये मैंने काट दिए हैं और इसमें करीब आधा कप के आसपास पानी डाल दें। ये चुकंदर है, चुकंदर का एक छोटा पीस लेंगे 1 इंच के बराबर। इससे कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके दो पीस करके डाल देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें हम 2 व्हिसिल लगाएंगे, यानी कि 2 सीटी लगाएंगे। ये टमाटर मैंने उबाल लिए हैं, उबालकर मैंने एक छलनी में रख लिए हैं। ये इसका आप ऐसे करके टमाटर का छिलका उतार दें। छिलका उतारने का पर्पज ये है कि आपको पीसने में आसानी होगी। ये बाकी के मैंने उतार लिए हैं। अब एक आप मिक्सी का जार लें और मिक्सी में इसको एक महीन पेस्ट बना लें। ये कुकर में जो इसका टमाटर का पानी है, ये हम सूप में बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इन चुकंदर के पीस को भी हम टमाटर के साथ पीस लेंगे। अब ये टमाटर और चुकंदर को मैंने पीस लिया है। अब हम इसको छानेंगे। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अब ये जो टमाटर का पानी है इसको भी हम छान लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे, 1 तेज पत्ता, 2-3 लौंग, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। फिर हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने छाना था। एक उबाल लगाएंगे। फिर हम एक कटोरी में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको हम पानी के साथ घोल लेंगे। होटल में जो सूप मिलता है बस ये उसी के कारण ही अच्छा लगता है, कुछ अलग नहीं है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर टेस्ट के अनुसार। और अब हम इसको ढक देंगे और करीब 3 मिनट तक पकाएंगे। अब सूप में डालने के लिए मैंने ये ब्रेड ली है और ब्रेड को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, चौकोर चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम्स को तलने के लिए बटर डालेंगे। और इसी में हम ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। इनको इतना फ्राई करें कि जिससे ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इन
इनको इस तरह से फ्राई कर लें। ब्राउन हो गए हैं ये और क्रिस्पी भी हो गए हैं। इधर सूप भी हमारा पक चुका है, अब हम सूप को सर्व करेंगे। अब सूप को मैं एक बाउल में निकाल रही हूं। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल होटल जैसा। अब हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। काली मिर्च डाल देंगे। और इसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए तुलसी का पत्ता या पुदीने का पत्ता रख देंगे। तो हमारा टोमेटो सूप तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।